हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप इंडियन वेयर यानी अगर आप कुर्ती पहनते हो, कुर्ता पहनते हो, प्लाजो या लेगिंग पहनते हो, तो उनको आप कैसे पेयर करो, किस तरह के प्रिंट पहनो, कैसे पहनो जिससे कि आप टॉल और स्लिम नज़र आओ। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी आपको हर्ट करने के लिए नहीं है कि आपकी हाइट कम है या फिर आप मोटे हो तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे कैरी करना है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, मोटे हो, पतले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी कॉन्फिडेंट, बस इतना सा मकसद है। मगर कुछ टिप फॉलो करोगे तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, और ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हो। तो आज की सारी टिप देखना और इनको फॉलो करना, तो आप देखना हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, अरे आज तो तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत बकबक हो गई। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आप इनमें से कोई भी टिप फॉलो करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है, मैं ये बता दूं, मेरी भी कोई हाइट ज़्यादा नहीं है, 5'4" है मेरी हाइट और मैं इतनी स्लिम ट्रिम नहीं हूँ बिल्कुल। तो मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि थोड़ा फ़ायदा देती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना चाहिए, आपको अनारकली जो सूट आते हैं या फिर अनारकली जो कुर्ती आती हैं वो आप अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पहनने का ज़्यादा ही मन है तो आप एक कलर के अनारकली सूट पहनो, फ्लेयर वाले पहनो, जो कि शिफॉन या फिर जॉर्जेट या पतले कपड़े के हों, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अनारकली जो होता है वो मेनली पतली लड़कियों पे अच्छा लगता है, एक तो पहली बात ये, और ऊपर से जिनकी हाइट कम होती है वो उसमें और कम हाइट दिखाता है, शो करता है। तो जो भारी बॉर्डर वाले अनारकली होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। अनारकली आपको पहनना है तो प्लेन पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगी, आप प्रिफर करो लॉन्ग स्ट्रेट सूट या आप कुर्ता कुर्ती पहने तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लॉन्ग पहनोगे तो उससे आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी, इतना लॉन्ग भी नहीं है, नी लेंथ तक के लॉन्ग पहनिए। और जो मोटे लोग हैं वो भी लॉन्ग कुर्ती में स्लिम लगते हैं। आप एक काम और कर सकते हो, लॉन्ग कुर्ता जब आप वेयर करते हो, नई चीज़ एक ट्राई कर सकते हो जो कि ट्रेंड में काफ़ी है, जैकेट पहन सकते हो कुर्ते के ऊपर, तो वो एक आपका ट्रेंडी लुक भी बना देता है और ऊपर से आपकी हाइट थोड़ी उसमें ज़्यादा लगती है। अगर आप थोड़े मोटे से हो मेरी तरह तो थोड़े पतले भी लग सकते हो, तो जैकेट ट्राई कर सकते हो आप कुर्तों के साथ। और एक आम तौर पे आपने बहुत बार सबसे सुना होगा कि वर्टिकल लाइंस पहनिए, लंबी लाइन वाले कुर्ते कुर्ती पहनेंगे तो आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी। हाँ, ऐसा होता है, वो थोड़ा एक इल्यूजन दे देता है कि आपकी हाइट लंबी लग रही है, आप पतले लग रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि इतनी पतली पतली लाइन का पहन लो जैसे वो जेल वाले कपड़े होते हैं, वैसा नहीं। हल्का सा आपकी कुर्ती में एक बॉर्डर हो लंबा सा या कोई प्रिंट हो तो वो अच्छा लगता है, उससे स्लिम और टॉल नज़र आते हैं। एक चीज़ आप और फॉलो कर सकते हो, आप चाहें तो मोनोक्रोमैटिक क्लोथ्स पहनिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है एक कलर के ही कपड़े आप पहनते हो जब, तो आप उसमें थोड़े लंबे भी दिखते हो, थोड़े स्लिम भी दिखते हो। तो अगर आप लेगिंग है, प्लाजो पैंट्स हैं, या प्लाजो है वो फ्लेयर वाला, या फिर आप नीचे सलवार भी पहनते हो, तो अगर आप एक कलर का पहनते हो, ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास हो, तो उसमें आपकी हाइट ज़्यादा भी लगती है और आप स्लिम भी लगते हो। तो ये आप फॉलो करके देखो और साथ ही कमेंट करके बताना क्या आपके पास एक ही कलर के ज़्यादा कपड़े हैं या फिर कंट्रास्ट में आपको पहनना पसंद है, जल्दी से कमेंट कर दो। अगर आप कुर्ती और कुर्ता में स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो आप कुर्ती के साथ पेयर करो जीन्स को, पैंट्स को, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि फ्रंट स्लिट वाली जो कुर्ती आती हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हो जीन्स और पैंट के साथ, वो भी आपको स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देती है। और बोरिंग चीज़ जैसे हमें लगती है कुर्ती के साथ ये पहन लिया ये, तो थोड़ा अलग सा भी लुक देती है और आपकी हाइट को ज़्यादा दिखाती है, यानी टॉल दिखाती है और स्लिम भी दिखाती है। और एक चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट कुर्ता कुर्ती अवॉइड करने चाहिए। मेनली जैसे यहाँ ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है भर भर के, तो वो आपको ब्रॉड दिखाती है, चौड़ा दिखाती है और हाइट भी कम दिखाती है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वाले सूट लेने हैं, कुर्ती लेनी है, तो इस तरह की लो जिसमें इस तरह की लंबी लाइन की एम्ब्रॉयडरी हो नीचे तक, आस्तीन पर भी लंबाई में, यानी कि स्लीव्स पर भी लंबाई में एम्ब्रॉयडरी हो, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी।
और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप अवॉइड करिए फूले फूले कपड़े पहनना, यानी कि जैसे कॉटन की कुछ लोग अनारकली कुर्ती पहन लेते हैं और फूले फूले लगते हैं, मोटे लगते हैं अगर आपकी हैवी बॉडी है। शॉर्ट हाइट वाले पहन लेते हैं तो उनकी हाइट और कम हो जाती है, वो दबाता है आपकी हाइट को। तो आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए, थिन कपड़े, फ्लेयर वाले कपड़े जो ऊपर से नीचे की साइड गिरते हैं, जैसे शिफॉन हो गया, साटिन हो गया, क्रेप हो गया, और आप जैसे यूज़ कर सकते हो जॉर्जेट ले सकते हो, सॉफ्ट सिल्क के कपड़े ले सकते हो। तो वो ऊपर से नीचे को जो कपड़े गिरते हैं वो एक तो आपकी हाइट को ज़्यादा दिखाते हैं और जो मोटे हैवी लोग हैं मेरी तरह वो पतले नज़र आते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप इनमें से कोई टिप फॉलो करते थे या फॉलो करने जा रहे हो, जल्दी से बताना। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट तो ज़रूर करना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे आपकी फ्रेंड्स फॉलो करें टिप्स को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बने, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए और खूबसूरत दिखें, क्योंकि हर लड़की को हक है खूबसूरत दिखने का। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।